जुनूबी ओंटारियो के ज्यादातर हिस्से शदीद धुंध की लपेट में। एनवायरमेंट कैनेडा की जानिब से फोग अलर्ट जारी। अलर्ट में कहा गया है कि शहरी दौरान ड्राइविंग महतात रहे। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की क्रिसमस के मौके पर मुबारकबाद। ट्रूडो का कहना था कि हमदर्दी, मेहरबानी और उम्मीद के इकदार सबके लिए हैं। कैनेडियन इस क्रिसमस में इख्तलाफात में ताकत तलाश करें। 2024 में माहरीन कनाडा में महंगाई कम होने के लिए पुरउम्मीद। माहरीन का कहना है कि मौशी सुस्त रवि 2024 के वस्त तक शरह सूद में कमी की वजह बनेगी। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे के नतायज भी सामने आएंगे। दुनिया भर में सर्दी की लहर। ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में हीट वेव का अलर्ट जारी। पर्थ में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Environment Canada ने Ontario सूबे के बेशतर इलाकों के लिए fog advisory जारी कर दी। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। एनवायरमेंट कनाडा ने ओंटारियो सूबे के बेशतर इलाकों के लिए फॉग एडवाइजरी जारी कर दी। एनवायरमेंट कनाडा के माहिर मौसमियात क्रिसमस के मौके पर मुसाफिरों को सड़कों पर सुस्त रफ्तार इख्तियार करने की तनबीह कर रहे हैं, क्योंकि सूबे में शदीद धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो सकती है। मौसमियाती एजेंसी ने जुनूब मगरब में विंडसर से शुरू होकर शुमाल मशरक में नियाग्रा और कोराथा झीलों के इलाकों तक सूबे के बेशतर हिस्सों के लिए धुंध की एडवाइजरीज जारी की हैं। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि धुंध में हद निगाह सिफर के करीब रहने या कुछ इलाकों में होने की तवक्को है। पीर की सुबह तक हद निगाह बेहतर होने की तवक्को है। कुछ मुकामात पर हद निगाह कम होने की वजह से सफर के खतरनाक होने की तवक्को है। अगर ड्राइविंग के दौरान मुरियत कम हो जाए तो अपनी लाइट्स ऑन करें और महफूज फासला बरकरार रखें। शहरी एनवायरमेंट कनाडा की तरफ से जारी करदा अलर्ट्स और पेशन गोइयों की निगरानी जारी रखें। माहरीन मौसमियात का कहना है कि फिजा की निचली सतह में फंसी हुई नमी अबर आलूद हालात और हद निगाह कम होने का सबब बन रही है। माहौलियात कनाडा का कहना है कि सर्द मौसम में धुंध गैर मामूली नहीं है। ओंटारियो के बासी भी क्रिसमस की शाम और क्रिसमस के दिन औसत से ज्यादा लेकिन रिकॉर्ड तोड़ दर्जा हरारत देखने की तवक्को कर सकते हैं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन इस क्रिसमस में हमारे इख्तलाफात में ताकत तलाश करें। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि कैनेडियन इस क्रिसमस में हमारे इख्तलाफात में ताकत तलाश करें। क्रिसमस के अपने सालाना खिताब में ट्रूडो ने कैनेडियन से मुतालबा किया कि वो अपने पड़ोसियों से प्यार करें जैसा कि हम खुद से प्यार करते हैं और उन लोगों की मदद करें जो मुश्किल वक्त में गुजरे हैं। ट्रूडो ने जोर दिया कि आइए उन लोगों के साथ मौसम की गर्म जोशी का इश्तराक करें जो इस साल छुट्टियां अकेले गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां मसीही यसु मसीह की पैदाइश का जश्न मनाकर मजहबी त्यौहार मनाते हैं, हमदर्दी, मेहरबानी और उम्मीद की इकदार सबके लिए हैं। ट्रूडो ने फौज के अरकान, फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और रजाकारों का शुक्रिया अदा किया जो किसी और की तातीलात को बेहतर बनाने के लिए अपना वक्त देते हैं। ये कहते हुए कि वो अबदी पैगाम और लाजवाब सच्चाई को मुजस्सम करते हैं जिसे हासिल करने से ज्यादा देना ज्यादा खुशाइंद है। उन्होंने कैनेडियनों से नए साल में तातीलात के जज्बे को लाने और कम्युनिटीज, मुल्क और दुनिया को 2024 में सबके लिए एक रोशन जगह बनाने के तरीके तलाश करने का मुतालबा किया। कनाडा में माहरीन साल 2024 में महंगाई कम होने के लिए पुरउम्मीद हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में।
मजीद कैनेडियन 2024 में बुलंद शरों को महसूस करेंगे, जिससे महंगाई कम हो जाएगी। महंगाई से लड़ने वाला एक और साल ख़त्म होने पर बैंक ऑफ कैनेडा की कीमतों में इस्तेहकाम बहाल करने की जस्तजू 2024 में ख़त्म होने की उम्मीद है। मरकजी बैंक की जानिब से शरह सूद में इजाफे का बिलाखिर नतीजा बरामद हो रहा है, जिससे वो आखिरी चंद महीनों में अपनी अहम शरह सूद को 5% पर बरकरार रख सकता है। कर्ज देने के ज्यादा अखराजात कारोबारी सरमायाकारी और सार्फीन के अखराजात में कमी का सबब बने हैं, जिससे अफराते ज़र को कम करने का रास्ता बनाया गया है। तवक्को है कि मौशी सुस्त रवि 2024 के वस्त तक शरह सूद में कमी की बुनियाद रखेगी, जो अफराते ज़र के खिलाफ जंग में एक अहम मोड़ का इशारा देगी। माहिरीन मौशियात का कहना है कि अगरचे मरकजी बैंक के नरखों में इजाफे ने अफराते ज़र पर काबू पाने में मदद की है, लेकिन कीमतों में इजाफे में बहुत ज्यादा सुस्त रवि आलमी कीमत के दबाव में नरमी से भी आई है। हम अफराते ज़र की शरह 3.1% को देख रहे हैं, जो एक साल पहले के मुकाबले में अब बहुत कम दबाव का शिकार है। माहिरीन के मुताबिक कीमतों में इस्तेहकाम बहाल करना कैनेडियनों के लिए खुशाइंद खबर होगी, खास तौर पर कम आमदनी वाले घरानों को, जो ग्रोसरी के बिलों और किराए पर चढ़ने से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। लेकिन कम और मुस्तहकम अफराते ज़र की तरफ वापस जाना बगैर किसी तकलीफ के नहीं आएगा। दिसंबर में जब दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते सख्त सर्दी की लपेट में हैं, मगरबी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिसंबर में जब दुनिया के मुख्तलिफ खित्ते सख्त सर्दी की लपेट में हैं, मगरबी ऑस्ट्रेलिया और क्वींसलैंड में हीट वेव अलर्ट जारी किया गया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की रियासतों के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। पर्थ में पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहली इलाके मूसलाधार बारिश की जद में है। न्यू साउथ वेल्स के कुछ इलाकों में सैलाब की वार्निंग जारी की गई है। टैग टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।